हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम सभी लोग फिर से पढ़ेंगे लूसेंट जीके का निचोड़ सेट नंबर 20 यानी 20 है आज का लास्ट डे प्रैक्टिस पेपर नंबर। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे आप सभी लोगों को 25 क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर 500 क्वेश्चन कवर होते हुए इस वीडियो के अंतर्गत एमसीक्यू टाइप सारे क्वेश्चन होने वाले। रट लीजिएगा सारे क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने के बहुत अधिक चांसेस रहेंगे इन सारे क्वेश्चनों से। ठीक, तो सब्सक्राइब करना है आप सभी लोगों को चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है और वीडियो को शेयर करिए आप सभी लोग, अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए गाइस, यहाँ पर 476 से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। 19 पार्ट में 475 तक क्वेश्चन कवर किए गए थे पिछले पार्ट में, आप सभी देख सकते हो। तो 400 है, ठीक, मिस प्रिंट है। तो 476वां क्वेश्चन क्या है, 20 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हुए लास्ट वीडियो है गाइस। ठीक, तो क्या क्वेश्चन बनाए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गाइस, क्या क्वेश्चन बनना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था, सरदार भगत सिंह ने, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, याद रखिए, सरदार भगत सिंह ने किया था। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, तना खाया जाता है गाइस, याद रखिए। 478 का ऑप्शन ए करेक्ट है, तना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखा इस क्या क्वेश्चन बनना है, 479 क्वेश्चन क्या है, स्टेनलेस बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, मैगनीज मिलाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिए। 480 क्वेश्चन क्या है, किस सिख गुरु ने जहांगीर को मृत्युदंड दिया था, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, ऑप्शन इसका डी करके, गुरु अर्जुन देव को, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन बना, 481 क्वेश्चन यहाँ पर क्या, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, याद रखिए। 482 क्वेश्चन क्या, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो गाइस राइट इसका ऑप्शन नंबर ए, 1915 में लौटे थे, इसको याद रखिए। अगले देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन मैंने, 483 क्वेश्चन यहाँ पर क्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ऑप्शन एक। देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन मैंने, 484 क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है। गाइस जलमार्गों की संख्या 3 बट बढ़कर हो गई 5, 5 ऑप्शन में तो 5 कर लीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 3, पहले 3 थी अब 5 हो गई। ठीक है, इसे याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया है 485 486 ये ओके मिस प्रिंट हो चुका है। ठीक है, 585 नहीं, यहाँ पर पृथ्वी पर शांति रहे किस उत्सव का संदेश है, पृथ्वी पर शांति रहे ये किस उत्सव का संदेश है। तो 485 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रिसमस का। फलों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फलों को सुरक्षित रखने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, सोडियम बेंजोएट का। ठीक, इसको याद रखिए आप सभी। बेतवा नदी किस नदी में मिलती है, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है, इसको बताना। देखिए 487 यहाँ से सही हो चुका है। ठीक है, तो बेतवा नदी किस नदी में मिलती है इसको बताना है, यमुना नदी मिलती है, 487 करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। 488 क्वेश्चन क्या, आलू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है, मंड यानी फिर स्टार्च। ठीक, याद रखिए ऑप्शन इसका गाइस ए करेक्ट है, स्टार्च। देखिए क्या क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है, कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है, ICICI, LIC, IDBI या फिर IIPA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, IIPA, ये वित्तीय संस्था नहीं है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, याद रखिए। 490 क्वेश्चन क्या है, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु कितनी है, 5 मिलियन वर्ष पूर्व है। ठीक, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, याद रखिए इसको। देखिएगा इस क्या क्वेश्चन, 491 क्वेश्चन क्या है, डर्बी शब्द किस खेल से संबंधित है, डर्बी शब्द किस खेल से संबंधित है, घुड़दौड़ से संबंधित है, इसको याद रखिए आप सभी, डर्बी शब्द का संबंध घुड़दौड़ से है। 492 क्वेश्चन क्या, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसका बी करेक्ट है, अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, बी राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखा इस आप सभी लोग कॉन्टेंट समझ में आ रहा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए और वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में। क्या क्वेश्चन है, धान का झुलसा रोग किसके कारण होता है, धान का झुलसा रोग किसके कारण होता है, फिलहाल लाइट इसका ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी के कारण, ऑप्शन सी करेक्ट है। 494 क्वेश्चन क्या, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, 5 सेकेंड का टाइम बताओ, मैक्सिको, ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन, मैंने 495 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी सिंधु नदी, बी करेक्ट है, याद रखिए इसको। 496 क्वेश्चन क्या है, भारत का मूंगफली के उत्पादन में विश्व में स्थान है। मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, करेक्ट है इसका 496 का ऑप्शन नंबर ए दूसरा है, ऑप्शन ए करेक्ट है दूसरा है, याद रखिए। देखिए गाइस 497 क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। फिलहाल लाइट इसका ऑप्शन नंबर डी गेहूं पर पड़ा था, याद रखिए। भारत में हरित क्रांति का जन्म एम एस स्वामीनाथन है, इसको भी आप सभी याद रखिए। 498 क्वेश्चन क्या है, क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है। 498 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी नीला कर देता है गाइस, बी करेक्ट है, याद रखिए। देखिए क्या क्वेश्चन, 499 क्वेश्चन क्या है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है। बाल श्रम निषेध का किस अनुच्छेद में गाइस इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 24 में किया गया, इसको भी आप सभी याद रखिए। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 500 क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है गाइस, याद रखिए, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए पूरे 500 क्वेश्चन 20 पार्टों में, मिलते हैं नेक्स्ट और अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।